का हाल बतोहार, आज मैं आपको अपने कैमल रशियन डॉर्फ हैमस्टर का अपडेट देने वाला हूँ। पिछले 3 महीने से ये मेरे पास हैं, मैंने आपको अभी तक इनका अपडेट नहीं दिया था, इनका मैंने बस आपके साथ एक ही वीडियो शेयर किया है। आज मैं आपको इनका कंप्लीट अपडेट देने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको इनका प्राइस भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सब चीज़ जानने का मन रहता है। साथ ही इनका डेली रूटीन क्या है, फूड में क्या देता हूँ, साथ ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इनके बारे में शेयर करूंगा। साथ ही मैं आपको अभी इनका नाम भी बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इनका नाम क्या रखना चाहिए, आप लोगों ने काफ़ी सारा नाम भी रिकमेंड किया, तो मैंने उसमें से एक नाम सेलेक्ट किया है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने इनका नाम रखा है पीनट बटर। मेल का नाम मैंने पीनट रखा है और फीमेल का नाम मैंने बटर रखा है। जो ब्लैक वाला है वो मेल है और जो फुल वाइट है वो फीमेल है। ये दोनों रहते हैं अपने इस प्यारे से घर के अंदर, जो कि 1.5 फीट का टैंक है, और इसको मैंने बीच से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं। जब भी ये आपस में एक साथ रहते हैं तो ये दोनों झगड़ने लगते हैं, तो इसीलिए एक डिवीज़न मैंने किया है। लेकिन बहुत जल्द मैं इनको सेपरेट टैंक दूंगा, मतलब कि एक इसमें रहेगा 1.5 फीट के टैंक के अंदर, और एक और मैं 1.5 फीट का टैंक परचेज करूँगा और उसके अंदर दूसरे वाले को शिफ्ट कर दूंगा। साथ ही इनका घर भी मुझे और भी ज़्यादा डेकोरेट करना है, और भी खूबसूरत बनाना है। फिलहाल तो ये इस तरह के सेटअप में रहते हैं। बेडिंग के लिए इनको वुड चिप दिया है, लकड़ी का बुरादा दिया है, और उसी को ये इस तरह बेड बनाकर सोए रहते हैं। पूरा दिन बस इनका यही काम है, ये बस सोते ही रहते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है। लेकिन रात में इसका उल्टा है, रात में ये पूरा घूमेंगे फिरेंगे, खाना भी बहुत ज़्यादा रात ही में खाते हैं। दिन में ज़्यादातर समय, मैक्सिमम समय आप समझ जाओ कि इनका बस सोने में ही निकलता है। लेकिन जब मैं इनको इनके घर से बाहर निकालता हूँ और रूम में घूमने के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये पूरा रूम पूरा घूमते रहते हैं, इधर उधर चारों कोने में घूमते रहेंगे। तार वार दिख गया या कुछ दिख गया तो उसको काटना शुरू कर देंगे। काटने से याद आया कि ये हैमस्टर्स, जो ये कैम्बल रशियन डॉर्फ हैमस्टर्स हैं, ये काटते भी थोड़ा है, थोड़ा हल्का फुल्का बाइट करते हैं। जब भी आप इनको पकड़ने का कोशिश करेंगे या इनको उठाने का कोशिश करेंगे तो हाथ में हल्का पिंच कर सकते हैं, छोटा सा बस काटने जैसा करते हैं, लेकिन खून नहीं निकालेंगे, आपको वहाँ पे दर्द नहीं होगा। बस उस समय जब ये पकड़ेगा तो हल्का फुल्का लगेगा, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं रसिया, मंगोलिया, नॉर्थ चाइना, जो अपर एशिया है उस साइड ये बिलोंग करते हैं, वहाँ से ये हैं। और इसी तरह के हैमस्टर्स काफ़ी सारे वहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी सारे स्पीसीज भी हैमस्टर की इन कंट्रीज़ के अंदर मिलती है। वहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं, सेमी डेजर्टेड एरिया या फिर जो क्रॉप फील्ड होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में बहुत कम ही पेट स्टोर पर आपको ये हैमस्टर्स दिखेंगे, मोस्टली यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर लोग इन्हें पालते हैं। इंडिया में थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, ये मुझे 3000 के ये दोनों पड़े हैं। ये दोनों हाइब्रिड डॉर्फ हैमस्टर्स हैं, फीमेल रेडाइज में है और मेल पाइड में है। ओरिजिनल इनका कलर ग्रेस और ब्राउनिश कलर का होता है, बीच में एक स्ट्राइप होता है, लेकिन हाइब्रिड्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कलर दिखेंगे। जो छोटे वाले चूहे आपने अपने घर के अंदर देखे होंगे, जिस तरह वो पूरा फास्ट रहते हैं, पूरा घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, वैसे ही ये होते हैं, ये भी काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ये रही हमारी फीमेल कैमल रशियन डॉर्फ हैमस्टर, जिसका नाम बटर है। ये अल्बाइनो रेडाइज है और इसका बॉडी फुल वाइट है, दिखने में काफ़ी प्यारी लगती है, लेकिन यही है जो बहुत ज़्यादा मुझे काटती है। मेल तो बहुत कम ही काटता है। इनका फेवरेट हॉबी आपको पता है, इनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पूरा दिन बस इसी तरह सोए रहते हैं। लेकिन ये तब का सिनेरियो है जब ये अपने घर के अंदर होते हैं, मतलब कि इस टैंक के अंदर होते हैं। अगर मैं इनको बाहर निकाल कर अपने हाथ पे रखता हूँ, टेबल के ऊपर रखता हूँ या फिर रूम के ऊपर फ्लोर के ऊपर छोड़ देता हूँ, तो ये बस भागते रहेंगे पूरा दिन घूमते फिरते रहेंगे। इनको एडवेंचर काफी पसंद होता है, भागना दौड़ना घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को देखना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनके घर के अंदर मैंने 24/7 पानी का पूरा सुविधा रखा है, जब भी चाहें ये पानी पी सकते हैं। खाना मैं इनको इनके फ्लोर के ऊपर देता हूँ, जो इनका बेडिंग है उसके ऊपर देता हूँ, लेकिन ये खाना थोड़ा सा खाएंगे और बाकी खाना ये छुपा लेते हैं। जितना भी आप ये वुड चिप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ढेर सारा खाना दिखेगा, काफ़ी सारे सीड्स दिखेंगे जो कि ये छुपाते रहते हैं। ये अपने पूरे घर के नीचे खजाना दबा के रखते हैं, जब भी इनको भूख लगता है तो ये उसे निकालते हैं, खाते हैं, फिर बच जाए तो वापस से छुपा देते हैं। ये आप मेल को देखिए, यानी पीनट को देखिए, कल रात में मैंने इनको गाजर दिया था, कल रात में जितना खाना था इन्होंने खा लिया और बाकी इसने छुपा दिया होगा कहीं पर, और अभी ये उसे निकाल कर खा रहा है। क्या इनसे स्मार्ट कोई होगा? इसके बारे में आपको थोड़ा और बता दूँ, ये जो मैंने बीच में डिवाइडर लगाया है उसको ये पूरा हर समय स्टार्टिंग में फाड़ना तोड़ना चाहता था, लेकिन जब से मैंने इसके सेटअप के अंदर, इसके घर के अंदर एक पत्थर रखा है, तो बस इसका पूरा दिन उसी पत्थर के ऊपर निकल जाता है। अभी भी ये उसी पत्थर के ऊपर बैठ के खा रहा है, सोता भी है इसी पत्थर के ऊपर, और लगभग पूरा टाइम इसका उसी पत्थर के ऊपर निकलता है। लेकिन फीमेल को ये सब चीज़ पसंद नहीं, बस इसको वुड चिप चाहिए जिसके ऊपर ये पूरा दिन लेटी रहती है।
जैसे ही मैं इनको इनके घर से बाहर निकालता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, फुर्तीले हो जाते हैं, पूरा पूरा दौड़ते भागने लगते हैं, एक दूसरे को चेस करते हैं और थोड़ा मोड़ा झगड़ते भी हैं। ये इस समय चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ पर आ गए हैं और अचानक से इनका लड़ने का भी मूड हो गया, आप देखिए। पर लड़ाई टल गया। इनको अकेले रहना पसंद होता है, जहाँ पर ये नेचुरली पाए जाते हैं वहाँ पर भी ये सिंगल बेडरूम का अपना घर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। मेल फीमेल भी मेटिंग के समय ही आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और जब फीमेल बच्चे देती है तो बच्चे जब सेल्फ फीडिंग पे आ जाते हैं फीमेल भी अपने बच्चों को घर से लात मार के भगा देती है। अगर आप इनको घर में रखते हैं एज अ पेट, तो अगर आप इनको छोटे से ही बचपन से ही एक साथ रखेंगे दो चार के ग्रुप के अंदर, तो ये शायद हो सकता है कि बड़े होने के बाद फाइट ना करें, एक साथ रहें। अगर आप इनका केयर अच्छे से करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनका एग्रेशन भी गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो जाता है और ये बहुत कम आपको काटेंगे या फिर आपके साथ पूरा दिन ही मस्त चिल होकर रहेंगे। सेम वैसा ही इनके साथ भी हुआ। ये भी जब मेरे पास आए थे थोड़ा एग्रेसिव थे, लेकिन अब ये बिल्कुल काम हो गए हैं। और जब भी मैं इनको अपने रूम में छोड़ता हूँ, फ्लोर के ऊपर रखता हूँ, तो इनका सबसे फेवरेट स्पॉट है ये मेरा जो न्यू वाला फिश स्टैंड है, इसके नीचे ये जाकर छुप जाते हैं। और इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब ये इस स्टैंड के नीचे चल जाते हैं तो इनका जब मन करेगा तभी ये बाहर आएंगे, नहीं तो ये पीछे की ओर दीवार के साइड बैठे रहते हैं, घूमते हैं उधर ही, बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखिए दोनों दो ओर बैठे हुए हैं, एक वायर को छेड़ रहा है और दूसरा उस कोने में जो फीमेल है वो दूसरे कोने में है। इनका जब मन करता है बाहर आने का तभी आते हैं और तभी मैं इनको पकड़ भी पाता हूँ, नहीं तो ये पूरा इधर उधर घूमते ही रहते हैं इस रूम के अंदर। मैंने इनका रील भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारा पोस्ट किया है, क्या आपने देखा है या नहीं ज़रूर बताइएगा। नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर उन वीडियोस को भी, उन रील्स को भी देखना ज़रूर। 1990 में फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने इन हैमस्टर्स को ढूंढा था। शुरुआत में तो इनका यूज़ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होता था, बस रिसर्च पर्पज़ के लिए ही होता था, लेकिन फिर किसी तरह ये ब्रीडर्स के पास पहुँचे और वहाँ से ये ब्रीड होकर पूरा वर्ल्ड में फैल गए। पेट इंडस्ट्री में अभी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में तो बहुत कम ही लोग इन्हें रखते हैं, बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते होंगे। ये नॉर्मल चूहे जैसे दिखते तो हैं, लेकिन नॉर्मल चूहे ये नहीं होते हैं, इनका पूंछ नहीं होता है। साथ ही इनके मुंह के अंदर जो साइड में जबड़ा होता है वहाँ पर एक ग्लैंड होता है, जहाँ पर एक पॉकेट जैसा आप समझ सकते हो वैसा होता है, और वहाँ पर जितना भी फूड होता है ये स्टोर करते हैं। अभी मैं इनको लाइव मीलवॉर्म फीड करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो इनका डाइट काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है, बहुत सारे चीज़ें ये खाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। इंसेक्ट भी इनके डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन इंसेक्ट से, इन कीड़ों से इनको काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलता है। आप इनको एग वाइट भी खिला सकते हैं, वो भी ये खा लेंगे। मैं एक एक मील वॉर्म इनको फीड करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं तो खाने में बिजी हो जाएंगे, तो थोड़ा कम लड़ेंगे। पीनट ने तो खाना शुरू कर दिया, लेकिन बटर अभी भी इधर उधर भाग रही है। ये हर समय इसी तरह लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप पीनट को देखिए कितना ज़्यादा गुस्से में बटर को देख रहा है। इनका गुस्सा बस एक दूसरे के लिए है, मुझे ये काटते बहुत रेयर ही कभी काटते हैं, और इनके बाइट में भी उतना जान नहीं होता है, क्योंकि इनका बॉडी आप देख रहे हो कितना छोटा है। ये 40 से 50 ग्राम के होते हैं, इससे ज़्यादा इनका वेट नहीं होता है। मैं एक एक मील वॉर्म और दे देता हूँ इनको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो थोड़ा खाने में बिजी रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा वीडियो भी इनका अच्छे से बन जाएगा। अगर आपके पास भी ये डॉर्फ हैमस्टर हैं और आप मेरे जैसा इनको टेम करना चाहते हो, तो आप जब भी इनको फीड देते हो, जब भी आप इनको खाना देते हो, तो आप अपने हाथ से इनको खाना खिलाओ। खाना देने के बाद थोड़ी देर आप इनके पास में ही रहो, साथ ही आप इनको अपने रूम में घूमने का मौका दो और अपने हाथ में खेलने का मौका दो। इससे ही आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और फ्रेंडली भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप इन हैमस्टर्स को खरीदना चाहते हो, तो मैंने इनका जो पिछला वीडियो बनाया था जब ये मेरे पास आए थे, तो आप वो वाला वीडियो देखो। मैंने उस वीडियो में सेलर के बारे में बताया, प्राइस के बारे में बताया, और कैसे ये मेरे पास आए, कहाँ से आए, सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा मूंग पानी के अंदर सोख किया था और अभी मैं इनको ये खिलाने वाला हूँ। थोड़ा सा डाल देते हैं पीनट को और थोड़ा सा डाल देते हैं बटर को। मैं कई बार चने भी सोख करके पानी के अंदर फुला कर इनको देता हूँ, लेकिन इनका फेवरेट है मूंग। आप देखिए तुरंत ही ये इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में जितना खाना होगा ये खा लेंगे, बाकी का ये अपना छुपाने में लग जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इनको इनका खाना एंजॉय करने देते हैं। अगर आपको ये प्यारे लगे, क्यूट लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इनका नाम पसंद आया कि नहीं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और क्या आप इन डॉर्फ हैमस्टर के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह फिश से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।